हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पहाड़ी ब्रदर्स। और आज हमारा वन वीक चैलेंज का है डे थ्री। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइकिलिंग। रनिंग तो हमारा रेगुलर चल रहा है, उसके बाद आज होगा हमारा चेस्ट, बैक एंड ऑब्लिक्स। तो ये पूरा वर्कआउट अच्छे से देखना, प्लस हमने डाइट भी आपको एंडिंग में हम पूरी डाइट बताते हैं कि हम लोग क्या ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी डाइट बना सकते हैं। तो गाइस, पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये वर्कआउट रूटीन समझ में आए, और ये चैलेंज आप भी लेना ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। लेट्स बिगिन द वर्कआउट गाइस। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive, just you and I. We'll be right back.
now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. It's all gonna be alright.
thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive, just you and I, just you and I. Saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है और उसमें आपको एप्पल साइडर विनीगर डालना है या तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने यूज़ किया है टी
अरबी की सब्ज़ी, आप कोई भी वेजिटेबल खा सकते हो जो सीजनल चल रहा है वो भी अच्छा है। एक रोटी थ्री होल एग्स, पर मैं होल एग्स नहीं खाता, मैं सिर्फ उसका वाइट एग खाता हूँ। तो ये है मेरा लंच जिसमें मैं खाने वाला हूँ मिक्स वेज दलिया विद सैलड, और इसके साथ कर्ड ले सकते हो आप ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। वैसे ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बट कर्ड में बहुत गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, सीजनल फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। शाम को पहले मुझे चाय की आदत लगी हुई थी अब, बट उसे छोड़ के अभी वन वीक चैलेंज चल रहा है तो हम लोग पी रहे हैं आम पन्ना, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज के डिनर में है चिली पनीर, थोड़ी सी सेवैयाँ और एक रोटी। तो कल मॉर्निंग वर्कआउट बहुत हैवी होगा हमारा, तो चलता है थोड़ा सेवैयाँ खा सकते हो थोड़ी सी। तो गाइज़ रात को मैं पीता हूँ ग्रीन टी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और फैट लॉस के लिए भी बहुत काम आती है। तो जैसे कि मैंने आपको डाइट दिखा दी, आप अपने हिसाब से अपनी डाइट भी बना सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टाइम गोल या लॉन्ग टाइम गोल देखने हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें हमने आपको वर्कआउट प्लस डाइट बताई है, तो आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगी। और कार्डियो प्लस वर्कआउट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने देख लिया है, और दूसरा डाइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको कैलोरीज कम लेनी है ताकि आप लोग जितना वर्कआउट कर रहे हो उससे ज़्यादा कैलोरीज लोगे तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है इस बात का, और हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और वर्कआउट के दौरान मेरे पैर में थोड़ी चोट आ गई है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे, इतनी बड़ी भी चोट नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऊपर जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसे प्लीज़ दबा देना ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोस आती रहें। स्टे ट्यून्ड गाइस। And I'm gonna be alright as long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive.